नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम संस्कार हेल्थ मंत्र में। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे कूट से होने वाले फायदों के बारे में। आचार्य बालकृष्ण जी के मुताबिक कूट का इस्तेमाल कई प्रकार के रोगों को दूर करने में किया जाता है। कूट को आप चूर्ण, रस, काढ़ा या पाउडर के फॉर्म में ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं कूट किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। जिन व्यक्तियों को अस्थमा की परेशानी है और फेफड़ों में बलगम जम जाता है, जिस वजह से रोगी को सांस लेने में दिक्कत होती है, इस बलगम को साफ करने का काम कूट की जड़ करती है। करना बस इतना है कि कूट के पौधे की जड़ को धो लें और फिर उसे सुखाकर पाउडर बना लें। उस पाउडर को शहद के साथ दिन में 2 से 3 बार एक एक चम्मच लें। ऐसा करने से फेफड़े से बलगम को साफ करने में और दमा की परेशानी दूर करने में लाभ मिलेगा। आचार्य बालकृष्ण जी बताते हैं कि सिर में फोड़े, फुंसी, चेहरों पर मुहासे की समस्या या शरीर में किसी जगह दाद होने पर भी कूट का प्रयोग किया जाता है। कूट में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, यह त्वचा संबंधी संक्रमण को दूर करता है। इसके लिए कूट के चूर्ण में नारियल या सरसों का तेल मिलाकर प्रभावित जगह पर लगाएं तो लाभ मिलेगा। पेट संबंधित परेशानियों में भी कूट का इस्तेमाल फायदेमंद माना जाता है। खाना न पचना, पेट में जलन, गैस का बनना, अफरा रहना आदि समस्या होने पर कूट की जड़ या क्वाथ यानी काढ़ा 2 रूपों में प्रयोग में लाया जाता है। साथ ही कूट के पाउडर को शहद के साथ नियमित रूप से लेने पर भी आराम मिल सकता है। आचार्य जी के मुताबिक थायराइड से संबंधित हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉयडिटिस, हाशिमोटो की बीमारी होने पर कूट का प्रयोग निरापद माना जाता है। इसके लिए कूट के 1 ग्राम से 3 ग्राम पाउडर को सादे पानी के साथ सेवन करें। ऐसा नियमित रूप से करने पर रोगी को जल्द ही आराम मिल सकता है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हेल्थ से संबंधित ऐसे ही जरूरी बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हेल्दी रहने के टिप्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।